न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। मेट्रो ग्रुप अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर एवं क्षेत्रीय सीईओ डॉक्टर संदीप चतरथ ने कोरोना वायरस के बारे में बताया कि कोरोना वायरस के संपूर्ण निवारण के लिए वे स्वयं व मेट्रो अस्पताल प्रतिबद्ध है। चूंकि डॉक्टर संदीप चतरथ एक प्राइवेट अस्पताल से जुड़े होने के बावजूद समाज में फैली इस आपदा के लिए अपना सर्वत्र देना चाहते हैं वे दे रहे हैं, वे हमेशा सहायता के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर संदीप चतरथ साहब ने कुछ निम्न बिंदुओं पर जोर करने को कहा और सभी को साथ आकर काम करने पर जोर दिया। लोगों में सकारात्मक व संदेश पर जोर दिया। सरकारों द्वारा निर्देशित पूरा लॉकडाउन व कर्फ्यू का अपने मन व आत्मा के सच्चे समर्पण से निभाने को कहा। खूब पानी पीने, हर आधे घंटे में हाथ धोने, भीड़ में न जाने, जरूरत का सामान दिन में एक बार जाकर खरीदे। वे जब घर में आए तो चप्पल उतारकर हाथ में लें और सीधे स्नान घर में जाएं व पानी में डिटोल व अन्य एंटीसेप्टिक डालकर साबुन से अच्छी तरह नहाएं। जुखाम, खांसी व बुखार होने पर अपने डॉक्टर से टेलीफोन पर राय लें, सरकार का सहयोग करें और घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि जो लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे वो कोरोना से बचकर रह सकते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप चतरथ हूँ। मैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का रीजनल सीईओ और ग्रुप का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज स्पेशली मैं कोरोना वायरस के बचाव की स्ट्रेटजीज शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, कोरोना वायरस एक बड़ी खतरनाक वायरल पेंडेमिक बीमारी है जिससे सारा विश्व इस टाइम पे इफ़ेक्टेड है। और विशेष बात जानने की ये है कि जब विकसित देश इटली जैसे में ये इतने ही डेथ्स कॉज कर सकता है, जिसमें 5,000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं और रोज़ हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि 600-700 लोग मर रहे हैं, तो ये वायरस कितना ख़तरनाक होगा इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आज भारतवर्ष के लिए इस वायरस से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और इस बीमारी का इलाज तो अवेलेबल ही नहीं है, वैक्सीन भी अभी बनी नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें हमें आइसोलेशन और हमें स्पेशली क्राउडेड जगहों पे नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करना चाहिए और हैंड हाइजीन के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। अपने हाथ बार बार धोते रहना चाहिए। हैंड